Good morning students, welcome to class 11th and here is your political science teacher. Class, let us continue our chapter, What is Right? So today I am going to explain you about the meaning of right and on what basis we can claim for right. So basically right जो है वो एक claim होता है जो हम अपनी गवर्नमेंट पर या किसी सोसाइटी पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर कर सकते हैं. और राइट हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिना राइट्स के वी कैन नॉट डेवलप आर सेल्फ और डेवलप आर पर्सनैलिटी एंड स्किल. सो राइट इज़ वेरी नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल फॉर अस. सपोज देयर इज़ वन एग्जांपल इन योर बुक that if I want to wear the cloth of my choice to school rather than prescribed uniform, that I may want to say that out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so. तो अगर हमें स्कूल में हम चाहते हैं कि हम अपनी पसंद के कोई भी कपड़े पहने या यूनिफॉर्म ना पहने, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम अपनी ड्रेस सिलेक्शन के लिए फ्री हैं कि हम कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा राइट है कि हम स्कूल यूनिफॉर्म को अवॉइड कर हम स्कूल घर के कपड़े या अपने और कॉस्ट्यूम्स को स्कूल में वियर करें, राइट. सो दिस इज़ राइट डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड द कॉज एंड द रीज़न दैट कौन सी जगह, कौन से समय और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिन पर हम उन राइट्स को अप्लाई कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं. सो देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई थिंक आई एम एंटाइटेड टू एंड व्हाट कैन बी डिज़ाइंड एज राइट. तो इसमें बहुत फ़र्क है कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग राइट को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, राइट. तो राइट आर प्राइमरली दोज क्लेम दैट आई अलॉन्ग विद रिगार्ड टू बी नेसेसरी फॉर लीडिंग लाइफ फॉर रिस्पेक्ट. दूसरा, हमें लाइफ जीने के लिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए लाइफ, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं या डिग्निटी से लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए राइट होना बहुत ज़रूरी है. तो बिकॉज राइट्स हैज़ बीन क्लेम इज दैट दे रिप्रेजेंट कंडीशन कि हम कलेक्टिवली कौन से सोर्स से हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. बीइंग गेनफुल एम्प्लॉय गिव अ पर्सन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस एंड दस इज सेंट्रल फॉर हिज और हर डिग्निटी. हैविंग आवर नीड मेट आर give us freedom to pursue our talent and interest or take the right to express ourselves freely. This right give us the opportunity to creative and original. Means कुछ rights जिससे हम अपने आप को best तरीके से perform कर सकते हैं, best तरीके से दूसरों को represent कर सकते हैं. इसके लिए हमारा freedom right कि हम अपने आप को express करने के लिए free हों, right? तो और एक एज अ एम्प्लॉय या अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए हमें जॉब मिलना या अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये भी हमारा राइट है एंड इट शुड बी गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट. और ये सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वो राइट प्रोवाइड किए जाएं जिससे हम अपनी लाइवलीहुड चला सकें विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. देन इट मीन्स दैट राइट गिव अस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Rights such as right to livelihood, freedom of expression, these rights are very important for us as they describe as universal in nature. क्योंकि ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए जिसको जो अपनी development चाहता है, अपने आप को skill, उसके talent, उसकी capability, उन सब चीज़ों को develop कर अपनी livelihood चलाना चाहता है, अपनी रिस्पेक्टफुल और एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता है, उसके लिए राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं और उसके लिए उसको क्लेम भी वह कर सकता है. एक और ग्राउंड है जिसके बेस पर हम राइट को क्लेम करते हैं,
that is that individual to develop talent and skill, a right like to right to education. कुछ rights ऐसे हैं जैसे कि education का right, और अपने आप को, अपनी capacity को, अपने reason को develop करने का right, useful skill, ये सब वो rights हैं और जो हम अपनी life में choice कर कर grant करते हैं, right? कि हम free हैं इन सब चीज़ों को adopt करने के लिए. That is why these education right is designated as a universal right. ये संसार में हर जगह हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर सोसाइटी को एजुकेशन ग्रांट करने का राइट है. हाउएवर इफ एनी एक्टिविटी इज इंजूरियस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज हेयर अ बुक वॉन्ट टू एक्सप्रेस अस दैट सपोज वी ऑल आर फ्री टू इंजॉय आर ईटेबल्स, और हम कुछ भी खाने पीने के लिए जो हमें अच्छा लगता है हम फ्री हैं, ये हमारा राइट है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, जो भी हम खाना चाहें वो हम खाते हैं. तो सेम वे इट इज़ इन आर हेल्थ एंड वेल बींग, इट कैन नॉट बी क्लेम एज राइट. तो इसको हम राइट में क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम फ्री हैं. सो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा कि हम हर चीज़ कंज्यूम करने के लिए फ्री हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं लाइक प्रोहिबिटेड ड्रग्स आर इंजूरियस टू वन हेल्थ एंड सिंस दे इफेक्ट आवर रिलेशन विद अदर्स. सपोज कुछ चीज़ें हमारे सोसाइटी में इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं या लोग उनको इस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्थ को एक नुकसान पहुंचा सकती हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंज्यूम करना भी हमारा राइट है. हम फ्री हैं उन चीज़ों को खाने के लिए, पीने के लिए, और बनाने वाला भी फ्री है उनको बनाने के लिए. इन चीज़ों में आता है जैसे आपका स्मोक, टबैको, तंबाकू, ड्रग्स एंड लिक्वर ऑल्सो. ऑल्दो दीज थिंग्स आर वेरी मच यू नो इंजूरियस टू आर हेल्थ एंड इवन द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन द प्रोडक्ट इट्सेल्फ, उस पर खुद ही लिखा रहता है कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है. बट इसके बाद भी वी ऑल आर फ्री टू यूज़ दोज थिंग्स फ्रीली, बट हम इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ कंज्यूम करना हमारा राइट है, लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये इंजूरियस है हेल्थ के लिए तो ये नहीं बननी चाहिए. ड्रग्स मे नॉट ओनली इंजूरियस हेल्थ बट दे मे ऑल्सो समटाइम चेंज आर बिहेवियर पैटर्न एंड मेक अस इन अ डेंजर टू अदर पीपल. इन टर्म ऑफ आर डेफिनेशन राइट, स्मोकिंग और टेकिंग बैंड ड्रग कैन नॉट बी क्लेम एज अ राइट. तो हम यहाँ पर हमें बुक कहती है कि इस टर्म में हम राइट की डेफिनेशन ये नहीं कह सकते कि भाई इन ड्रग्स को बैन कर दिया जाए. ऑल दो वी नो इट वेरी वेल दैट दीज थिंग्स आर इंजीरियस टू हेल्थ, बट इन अदर वे वी ऑल्सो आर फ्री टू इंजॉय दिस. तो नाउ बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू राइट कम फ्रॉम, कि राइट्स किसने बनाए होंगे, कहाँ से इनका बर्थ ओरिजिन हुआ होगा, और किस तरह से डिफरेंट ऑथर्स ने हमें राइट्स की अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, और हम किस तरह से इन डेफिनेशन के साथ इन राइट्स को अपनी सोसाइटी में अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो दैट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गिव अ रीडिंग टू योर लेसन ऑफ राइट्स एंड what are rights, more or the situation where we can claim our right and the criteria or field where we can cannot claim for the right. Right, Peter? Okay. Have a nice day. Bye all of you.